फाइनली गन्स पार्ट 3। ऑडियंस को क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए इस फिल्म से? किस फिल्म के साथ इस चोर की कहानी भी खत्म होती है। सो इज दिस द एंड ऑफ द ट्रिलॉजी? अगर उसकी कहानी खत्म होती है, आई गेस सो। कैसा रहा शूटिंग का एक्सपीरियंस? शायद मेरी जिंदगी का सबसे यादगार एक्सपीरियंस। और इस एक्सपीरियंस को यादगार बनाने में क्या आयशा आमिर का भी हाथ था? बिल्कुल नहीं। आपके पर्सनल लाइफ के चर्चे काफी कम हो गए। नए कबीर ग्रेवाल वर्जन 2.0 का राज क्या है? किसी ने मुझसे कहा था कि कहानी पढ़ लो, आदमी समझ में आ जाएगा। Does that make sense, Reed? लोग कहते हैं कि कल मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा, लेकिन कर नहीं पाते। मेरा कल आ गया है, लेकिन हम चाहे जितना बदल जाए, हमें अपने बीते हुए कल की कीमत देनी पड़ती है। पता नहीं इस बार या उस बार, पर तुमसे मिलूंगा जरूर, यकीन है मुझे। पता नहीं मैं किस बात से ज्यादा हैरान हूँ, तुम्हें वक्त से पहले तैयार देख के या पियानो बजाते हुए। एक्चुअली हमेशा सीखना चाहता था, बस वक्त ही नहीं निकाल पाया। पियानो टीचर का नंबर है मेरे पास, कल से भेज दो। स्टॉप इट। तुम बड़ी खुश लग रही हो। तुम्हें भी होना चाहिए। कम ऑन, आज तुम्हारी फिल्म की सक्सेस पार्टी है। फाइनली इट्स ओवर। आई डोंट नो यार मीरा, ये फिल्म कैसे बन गई? कहानी किसी और की है और उस पे नाम मेरा। नो, ये तुम्हारी फिल्म है कभी, और अगर मुझसे पूछो तो तुम्हारी सारी फिल्मों से ये फिल्म ज्यादा तुम्हारी है। थैंक यू। तीन फिल्म एक साथ कर चुके हैं और तुम मुझे छोड़कर नहीं गई। एक्चुअली तुम पहली हो जो टिक पाई। बाकियों को तुमने अपने साथ कहाँ रहने दिया? बस तुम आगे चलते रहे और सबको पीछे छोड़ते रहे। शायद ना आगे आ चुका हूँ कि दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। कभी कभी सोचता हूँ कि मैंने उन्हें छोड़ा या वो मुझे छोड़कर चले गए। जिंदगी में पहली बार अकेलेपन का एहसास होने लगा। डर चले गए, इतनी बातें करनी थी उनके साथ, और जिसके साथ बातें करना चाहता हूं वो तो सुनना ही नहीं चाहती। और जब इन सारी चीजों के बारे में सोचता हूं, I think I deserve it all. No, you don't. तुम बदल गए हो कबीर, और शायद उन चीजों की अहमियत अब तुम जान चुके हो जो तुम पहले नहीं जानते थे। Are you flirting with me? चलो, ईरानी हमारा इंतजार कर रहा होगा। ईरानी का भी ड्रामा कब खत्म? मुझे लगा शायद यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक हो, शायद यही वो फिल्म है जो मुझे ले डूबेगी।
But thank you, Kabir. Thank you. इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग लगी है हमें. Cheers. Cheers. यहां क्या कर रहा है? मेरा पीछा कर रहा है क्या? ये कहानी ऐसे खत्म होगी मैं नहीं जानता था. मैं भी नहीं. अब समझ में आ गया है कि जिंदगी कॉमिक बुक्स की तरह उसके लिए वो बनाए हुए बॉक्सेस में नहीं समा सकती. अब आगे पता नहीं. देख, तेरे और मेरे सवाल भी एक थे, जवाब भी एक है. हम दोनों की कहानी की शुरुआत एक ही जगह से हुई थी, खत्म भी एक ही जगह पे होगी. जबरदस्त किताब होगी. तो हांगकांग जा रही? तुम्हें कैसे पता? खामखा तुम्हारी तस्वीर छपते रहती है आजकल न्यूज़पेपरों में. तुम यहां क्या कर रहे हो कभी? तुमसे मिलने आया हूँ ऐसा.
That's my flight. मुझे जाना होगा कबीर. बहुत सवाल है ना तुम्हारे मन में, उनके जवाब है मेरे पास. तो अब अगर तुम मुझसे भागना बंद करोगी तो शायद वो जवाब दे सकूं तुम. इत्तेफाक कुछ भी नहीं है आयशा, हमारा मिलना भी नहीं था. जब तुम मेरी जिंदगी में आई तुम मेरी कहानी का एक हिस्सा बन गई और तुमने मुझे वो कहानी दी जिसे मैं अपने आप के और करीब आ गया. बस ये बताए कि अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता ईशा. और अगर आज भी तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो तो फिर तुम्हारी फिल्म देखी और कैसी लगी? British Airways flight number BA232 to Hong Kong is now ready for departure. रॉय, मैंने सोचा तुम कभी पूछोगे नहीं. मुझे लगा कि तुम आओगे नहीं.